हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ पे मैं आपके साथ किचन की डीप क्लीनिंग वाला वीडियो शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे आपको मैं किचन दिखा रही हूँ, काफ़ी फैला हुआ है। और यहाँ पे किचन की एक एक करके मैं सारी चीज़ें बाहर निकालते जाऊँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी और इतनी बड़ी वीडियो तो कोई देखेगा नहीं। और यहाँ पे किचन का एक एक करके सारा सामान मैं निकाल दूँगी। एक महीने में मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। किचन को तो वैसे मैं रेगुलर अच्छे से साफ करती हूँ, पर किचन है, डीप क्लीनिंग तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पर एक एक करके सारा सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ। और यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे जो गैस के जो बर्नर है वो मैं बर्नर नहीं दूँगी मैं गैस के, मतलब देख सकते हो बर्नर साफ ही है। और बर्नर की डीप क्लीनिंग, बर्नर को कैसे साफ करते हैं, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो ज़रूर लाऊँगी। और यहाँ पे मैं स्टैंड, गैस के स्टैंड को अच्छे से वॉश करने के लिए सिंक में डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं किचन काउंटर और यहाँ पर टाइल को अच्छे से साफ़ करूँगी, उसी से जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं उसी खाते से फटाफट से अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर दूँगी किचन काउंटर को अच्छे से। एक दिन मैंने किचन काउंटर साफ़ किया है, अगले दिन मैंने नीचे जहाँ पे मैं सारे अपने बर्तन, गैस सिलेंडर और जहाँ पे कलसी हंडा मैं रखती हूँ वहाँ की क्लीनिंग की है। एक ही दिन में मैंने पूरी डीप क्लीनिंग नहीं की, एक ही दिन में पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप एक दिन में कर लेते हो तो अगले दिन आपके पास एनर्जी नहीं बचती, इसके लिए दो दिन में मैंने डिवाइड किया है। यहाँ पे मैं गैस के नीचे भी साफ अच्छे से कर लूँगी। मैंने गैस निकाला नहीं है क्योंकि फिर निकालना, फिर उसे वापस लगाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इस वजह से तो भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और गैस के अंदर से भी मैं क्लीनिंग कर लूँगी। गैस वैसे साफ ही है, फिर भी मैं आगे उसे थोड़ा सा अच्छे से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर लिया। जहाँ भी मैंने साबुन, किचन काउंटर को अच्छे से पानी से धो दिया है, टाइल को भी अच्छे से मैंने पानी से धो दिया है। अब मैं साफ कपड़े से इसे पोंछ रही हूँ, देख सकते हो कितना अच्छे से साफ़ हो गया है। अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ और मैं गैस के ऊपर का भी मैं क्लीन कर लूँगी। वैसे तो साफ़ ही था क्योंकि मैं रात को उस किचन को अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ, तो गैस साफ़ ही था, फिर भी मैं थोड़ा सा अच्छे से साफ़ कर दूँगी। डीप क्लीनिंग है तो डीप क्लीनिंग तो करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने गैस को अच्छे से साफ कर दिया है, उसे भी मैं सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी। यहाँ पे मैं गैस के जितने भी स्टैंड थे उन्हें सारे अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी, गैस के स्टैंड को अच्छे से मैं वॉश कर लूँगी। ये सारे स्टैंड को अच्छे से पानी से वॉश करने के बाद एक अच्छे साफ कपड़े से सुखा के वापस गैस पे मैं लगा दूँगी और फिर बाकी का मैं काम करूँगी। गैस साफ़ हो गया, किचन काउंटर तो अच्छे से साफ़ हो गया। तो ये गैस के जो नॉब है काफ़ी गंदा हो जाता है खाना बनाते समय, तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी गंदी की जमी है, जम गई है। और यहाँ पे नॉब को भी अच्छे से मैं धो लूँगी और यहाँ पे मैं अच्छे से पूछ लूँगी।
थोड़ी कहीं भी गंदगी ना रहे हैं, फिर आपको अच्छे से धोने के बाद उसे सूखे कपड़े से पोंछ दूँगी और थोड़ी 10 मिनट फ़ैन के नीचे रोकूँगी और फिर वापस नॉब को मैं लगा दूँगी। तो यहाँ पे देख सकती हूँ नॉब सारा मैंने अच्छे से वॉश किया है रगड़ रगड़ के, क्योंकि चिकनाई आ जाती है ना गैस के नॉब पर। और यहाँ पे मैं सूखे कपड़े से अच्छे से सुखा रही हूँ उसको, फिर मैं 10 मिनट के लिए मैंने बोला था फ़ैन के नीचे रखूँगी। और ये कॉर्नर जो आप देख रहे हो यहाँ पर जो भी चीज़ें थी उसी जगह पे मैं वापस वो चीज़ें नहीं रख लूँगी, थोड़ा सा चेंजेस करूँगी। थोड़ा सा किचन में उधर से उधर डब्बे कर देते हो ना तो काफ़ी किचन नए जैसा लगने लगता है। तो बड़े स्पून हम इसमें रखते हैं, छोटे स्पून इसमें रख देते हैं हम लोग। और मैंने कैसे वो पहले बोला होगा आपको या नहीं कि मेरा किचन मॉडर्न नहीं है, और यहाँ पर मैं डब्बे को रख रही हूँ। जो धोयला डब्बे हैं, जो साफ डब्बे हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ, जो धोने वाले डब्बे हैं उन्हें मैं अलग कर रही हूँ। और आप जब भी नमक ख़त्म हो जाए या मसाले ख़त्म हो जाए तभी आप उन्हें धो के रख दीजिए, पर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैंने मसाले जितने भी थे उन्हें पेपर में रैप करके, वाइट पेपर में रैप करके रख दिया। और मसालों के डब्बे को मैं अच्छे से धो लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो बर्तन रखने वाला स्टैंड जो होता है ना हमारे, तो उसे भी मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी। मैं आपको वीडियो में दिखा रही थी किस तरह से गंदगी यहाँ पे थोड़ी सी चिकनाई आ गई थी, क्योंकि ये गैस के साइड पर ही है तो ज़्यादा चांस है इस ये तो गंदा होगा ही होगा। और इसे अच्छे से मैं वॉश कर दूँगी और जो भी बर्तन थे इसमें वो मैं वापस रख दूँगी, क्योंकि मेरे पास मॉड्यूलर किचन नहीं है तो बर्तन मैं इसमें ही कुछ बर्तन मैं स्टोर करके रखती हूँ। जो काम के बर्तन होते हैं मैं इसमें ही स्टोर करती हूँ। मॉड्यूलर किचन अगर आपका है तो आपके सारे बर्तन अंदर रहते हैं, कैबिनेट में रहते हैं तो गंदे नहीं होते। और अगर मॉड्यूलर किचन नहीं तो सारे बर्तन खुले हैं, चिकनाई धूल जल्दी आपके बर्तन को और आपके किचन को गंदा कर देती है। यहाँ पर मेरा स्टैंड भी अच्छे से साफ़ हो गया है। स्टैंड तो हो गया साफ और यहाँ पे रख दी बर्तन इसके अंदर, और जो प्लेट को अलग रख देने वाला मतलब एक लकड़ी है जिससे प्लेट अलग और टोप अलग हो जाता है। और यहाँ पे धोए हुए डब्बे दिखा रही थी, और दूसरे दिन का नीचे का क्लीनिंग मैंने कर लिया था और वो क्लिप मेरे से डिलीट हो गया है। आई एम रियली सॉरी, और मैं आपको दिखाती थी। तो यहाँ पे मैं आपको धोए हुए डब्बे दिखा रही हूँ, और ये बॉक्सेस और जितने भी पैकेट वाले मसाले मैं इसमें रख देती हूँ ऑर्गेनाइज करके। और लाइटर का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, लाइटर को साफ़ करूँगी तो गंदा हो जाएगा। तो और ये गैस दिखा रही हूँ आपको, गैस कितना अच्छे से चमक रहा है, नॉब भी कितने अच्छे से चमक रहे हैं। नीचे का क्लीनिंग हो गया, नीचे का इतना कुछ था नहीं, बस अच्छे से पूछना था और अच्छे से सारी चीज़ों का अलग अलग तरीके से रख दिया है, जैसे किचन थोड़ा नया जैसा लग रहा है। और ये प्यूरेट हम यूज़ नहीं करते, और यहाँ पे प्यूरेट के ऊपर कवर था वो जो धोने में डाला है। यहाँ पे देख सकते हो चीज़ें नीचे से अच्छे से क्लीन कर दी मैंने, और चीज़ें थोड़ी अलग अलग करके रख दी है। और अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट